हॉलीवुड में ऐसे कुछ फिल्में हैं जो हमारे हिंदू माइथोलॉजी या कहे तो हिंदुइज्म से इंस्पायर्ड होकर बनाई गई है। दोस्तों क्या है वो सारी फिल्में, जानने के लिए शो से इन तक के वीडियो जरूर देखिए और एक लाइक भी कीजिए। तो चलिए इंट्रो के बाद मिलते हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज, जहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज एक काफ़ी फेमस मार्वल कॉमिक कैरेक्टर है और ये कैरेक्टर इंडियन कल्चर हिंदुइज्म से काफ़ी इंस्पायर्ड है। और जहाँ पर फिल्म पे कमर ताज का वाईफाई पासवर्ड था शंबला, और जो कोई रैंडम वर्ड नहीं बल्कि इसका मीनिंग काफ़ी डीप है और जो हिंदू पुराण के साथ रिलेटेड भी है। हाँ दोस्तों, और पुराण का रेफरेंस के मुताबिक शंबला एक ऐसे जगह है जहाँ पर लॉर्ड विष्णु का लास्ट अवतार कालकी का जन्म होगा, और वैसे ही डॉक्टर स्ट्रेंज का कमर ताज पे नया जन्म होता है। और इसको छोड़कर भी डॉक्टर स्ट्रेंज का हैंड पावर, फाइटिंग स्टाइल और मल्टीपल हैंड, ये सभी चीज़ें भी इंडियन कल्चर और हिस्ट्री से इंस्पायर्ड है। नंबर टू, अवतार, जहाँ पर अवतार है पूरे दुनिया का सबसे हाइस्ट यानी कि सबसे कमाने वाला फिल्म, और जिसका टाइटल, कैरेक्टर, कलर, ये सब हिंदुइज्म से इंस्पायर्ड है। और जो डायरेक्टर जेम्स कैमरन ने खुद 2007 पे एक इंटरव्यू में रिवील किया था। बता दोस्तों, जहाँ पर अवतार का टाइटल कोई इंग्लिश वर्ड नहीं बल्कि एक संस्कृत वर्ड है और जिसका मीनिंग है कि एक इंसान का कैसर अवतार होना, जैसे हिंदुइज्म पे लॉर्ड विष्णु का कैसर अवतार देखने को मिलता है। और विष्णु ने दुनिया को सेव किया था, वैसे ही अवतार फिल्म पे जेक सूल्य भी ह्यूमन के हाथों से अपने डोम को बचाने के लिए कोशिश करते हैं। और दूसरी तरफ अवतार फिल्म पे सारे नेविस कैरेक्टर का स्किन कलर ब्लू दिखे ही है, जो हिंदुइज्म का काई देवता के साथ मिल जाते हैं। यान की कैरेक्टर कलर भी हिंदू कल्चर से इंस्पायर्ड होकर मेकओवर की गई है। नंबर थ्री, इंटरस्टेलर, जहाँ पर क्रिस्टोफर नोलन का वन ऑफ द बेस्ट साईफाई फिल्म है इंटरस्टेलर। और तो दोस्तों, जहाँ पर ये 2014 में रिलीज हुआ था और इस फिल्म पे प्लैनेट दिखाई गई है, मिलर प्लैनेट, और इस मिलर प्लैनेट का एक घंटा अर्थ का एक साल का बराबर है। और स्टोरी भी हिंदू माइथोलॉजी के साथ मैच करते हैं, जहाँ पर लॉर्ड इंद्र ने एक यूथ की बात कहा था कि देवलोक का एक साल दुनिया का 360 साल का बराबर है। नंबर फोर, द मैट्रिक्स ट्रायलॉजी, जहाँ पर सभी लोग जानते हैं कि द मैट्रिक्स एक रिवोल्यूशनरी साईफाई एक्शन फिल्म है और इस फिल्म को ऑल टाइम ग्रेटेस्ट फिल्म भी माना जाता है। और फुल फिल्म का कॉन्सेप्ट इल्यूशन यान की माया पे बेस्ड है, जहाँ पे आसपास की सारी चीज़ें रियल नहीं बल्कि प्रोग्रामिंग है। देखा जाए तो ये हमारा हिंदुइज्म पे 1000 ईयर पहले ही था, जिसमें कहा गई है कि हमारा सब कुछ नश्वर है यानी कि सब एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा, सब एक माया है। और इसको छोड़कर भी अगर सॉन्ग की बात करूं तो फिल्म पे एक सॉन्ग है नवरास, और जो गाना एक्चुअली संस्कृत श्लोक पावमाना मंत्र से ले गई है, और ये बातें डायरेक्टर ने खुद रिवील्ड भी किया है। नंबर फाइव, स्टार वार सीरीज अ न्यू होप, जहाँ पर इस सीरीज पे प्रिंसेस लिया किडनैप्ड होते हैं और बाद में उनको बचाने के लिए हीरो ने कोशिश करते हैं, और उस वक्त हीरो का मुलाकात होता है जीव बच्चा के साथ जो एक हाफ ह्यूमन और हाफ एनिमल है। और सभी लोग जानते हैं कि स्टोरी रामायण से इंस्पायर्ड है, जहाँ पर रामायण पर प्रिंसेस सीता को रावण किडनैप्ड करते हैं और इसके बाद राम ने उनको बचाने के लिए हनुमान का मदद लेते हैं। यानी कि हॉलीवुड का ये सीरीज स्टार वार सीरीज हमारा हिंदू कल्चर हिस्ट्री से इंस्पायर्ड है। नंबर सिक्स, इंसेप्शन, जहाँ पर क्रिस्टोफर लोनाल का ये इंसेप्शन एक मास्टरपीस फिल्म है और जो रिलीज हुआ था 2010 में और जो इंडियन फिलोसफी पर बेस्ड करके बनाई गई है। बता दोस्तों, जहाँ पर फिल्म पे ड्रीम लेवल यानि कि कोई सपने में खो जाते हैं और खो जाने के बाद उसका माइंड रियलिटी से अलग हो जाते हैं, और ये कॉन्सेप्ट हिंदुइज्म से ले गई है। पता दोस्तों, जहाँ पर हिंदुइज्म पे रियलिटी है माया, जिसको कहा जाता है ड्रीम ऑफ गॉड। नंबर सेवन, 10,000 BC, और पता दोस्तों, ये 2008 में आई एक्शन एडवेंचर फिल्म, जहाँ पर ये अनऑफिशियल एडप्शन है रामायण का था दोस्तों, जहाँ पर फिल्म का कैरेक्टर डीले लॉर्ड राम को प्रेजेंट करते हैं। दूसरी तरफ इवोलेट
रिप्रेजेंट करते हैं प्रिंसेस सीता को, और तीसरी तरफ इस फिल्म का कैरेक्टर नाकुदू रिप्रेजेंट करते हैं हनुमान को। तो उसे ये रहा हॉलीवुड के कुछ ऐसे फिल्मों के बारे में जो हमारे हिंदुइज्म या फिर हिंदू कल्चर हिस्ट्री से इंस्पायर्ड होकर बनाई गई है। तो उसे इसके बारे में आपको क्या कहना है, और साथ में ये भी कमेंट पे बताइए कि इसमें से आपका फेवरेट फिल्म कौन सी है। और ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कीजिए, और सब बॉलीवुड साथी न्यूज़ अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।